हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जीवन साक्षी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अगर आप शादी करना चाहते हैं और रिश्ते की तलाश में हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जीवन साक्षी ऐसी लड़कियों के बायोडाटा पब्लिश करता है जिन लड़कियों की आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण रिश्ता नहीं हो पाता है, या जिनके हस्बैंड एक्सपायर कर जाते हैं, या फिर जिन लड़कियों और औरतों का तलाक हो जाता है। तो ऐसी विधवा, तलाकशुदा और अनमैरिड लड़कियों का बायोडाटा हमारे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया जाता है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं और आपको आपके अकॉर्डिंग रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीवन साक्षी द्वारा भी रिश्ते देख सकते हैं। यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे रिश्ते पब्लिश किए जाते हैं डेली बेसिस पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो आप स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं, इन्होंने हमें अपना बायोडाटा भेजा हुआ है। इनका नाम ममता जाट है और ममता जी राजस्थान जयपुर की रहने वाली हैं। तो आप इनके बायोडाटा को अंत तक देखें ताकि जो भी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, कैसे रिश्ते की तलाश है और इनके परिवार में कौन कौन है, अगर आप इनकी प्रोफाइल को अंत तक देखते हैं तो आपको इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ममता जी की उम्र 28 साल है, इनकी हाइट 5 फुट 4 इंच है और ममता जी ने एजुकेशन में 8वीं तक पढ़ाई की है। ममता जी विडो हैं, इनके हस्बैंड एक्सपायर कर चुके हैं और इनके बच्चे वगैरह नहीं हैं। ममता जी का कहना है था कि उनको वैसे शादी वगैरह नहीं करनी थी, पर उनके घर वालों ने फोर्स किया कि तुम्हारी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम अपना जीवन बिता सको आगे के लिए। अकेले जीवन जीना काफ़ी मुश्किल होता है और अगर बच्चे वगैरह होते तो भी उनके सहारे जी लेती, पर उनके पति के जाने के बाद इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसलिए इनको दूसरी शादी करनी पड़ रही है। इनके पति का अभी कुछ टाइम पहले देहांत हो गया तो उनके बच्चे वगैरह भी नहीं हैं और इनको एक अच्छी जीवन साथी की तलाश है जो हमेशा ममता जी का साथ दे और उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे। तो मैं आपको लड़के की रिक्वायरमेंट के बारे में बता देती हूँ कि इनको कैसा रिश्ता चलेगा। ममता जी को लड़के की उम्र 28 से 38 साल के बीच में चल जाएगी। अगर लड़का विधुर, तलाकशुदा या अनमैरिड होता है तो भी इनको चल जाएगा। ममता जी का कहना है कि अगर आप विधुर हैं और तलाकशुदा हैं और आपके बच्चे वगैरह हैं तो भी इनको कोई परेशानी नहीं होगी, ये आपके बच्चों को अपने बच्चों के समान रखेंगी और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और लड़के की इनकम को लेकर इनका कहना है कि लड़का महीने में बस इतना कमा लेता हो ताकि इनका परिवार अच्छी तरह चल सके और ये दो वक्त की रोटी खा सके, ऐसे जीवन साथी की तलाश है। और उनका कहना है कि लड़का ईमानदार होना चाहिए और लड़का ऐसा हो कि जो हमेशा ममता जी का साथ दे और उनको सपोर्ट करे, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे, ऐसे रिश्ते की तलाश है। तो अगर आप ममता जी से शादी करना चाहते हैं और आप इनसे रिश्ता करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं तो इस पे आप मिस कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपका बायोडाटा ममता जी तक पहुंचा सकें। अगर उनको आपका बायोडाटा पसंद आता है तो वो आपको संपर्क वगैरह कर सकती हैं। अगर आपके पास ममता जी का कॉल वगैरह नहीं आता है तो आप इस बात से निश्चिंत रहें, आपके अकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी रिश्ते पब्लिश किए जाते हैं तो उनके द्वारा आपकी बातचीत हो जाती है और रिश्तों से, तो वहाँ से आपका रिश्ता कंफर्म हो जाता है। आप भी समझते होंगे कि एक लड़की रहती है शादी के लिए और लाखों से लोग कमेंट करते हैं या कॉल करते हैं, तो इसलिए एक लड़की इतने लोगों से तो रिश्ता नहीं कर पाएगी। अगर उनको पसंद आ जाता है तो वहाँ पर वो रिश्ता कर लेते हैं। अगर आप को इनका बायोडाटा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल जीवन साक्षी को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नए रिश्तों की अपडेट्स जल्द से जल्द पहुंच सके। और
मिलते हैं एक नए रिश्ते के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।